इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में हम ऑपरेट हो रहे हैं और खान साहब जो हैं खैरियत से हैं, उनको भी जो है गोली लगी है और वो उनको हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट कर दिया और वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। बस आप लोगों से दुआ की अपील है कि सब लोग दुआ करें कि सब खैर खैरियत से हो। बाकी जो फायरिंग हमलावर जो थे बिल्कुल उनमें से एक गिरफ्तार हो गया, दूसरा जो है उसको भी अभी गिरफ्तार करने की कोशिश। पंजाब में आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आज ये अलर्ट भी जारी हुए थे कि पथराव का खतरा है, इसके बावजूद कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई, कोई सतहों के ऊपर से गैर थोड़ी अफराध को नीचे नहीं उतारा गया, इस तरह के कोई इकदाम नहीं उठाए गए, तो गवर्नमेंट आपकी आई। देखिए ऐसी बात नहीं, आज छठा सातवां दिन था और बाकायदा लाहौर से लेके यहाँ तक बिल्कुल जो है पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फूल प्रूफ जो है सारी सिक्योरिटी की हुई थी। ये अनफॉर्चुनेटली जो वाकया हुआ है इसके लिए इसीलिए वो मौके के ऊपर एक बंदा पकड़ा भी गया और बाकी भी जो है इंशाल्लाह ताला आप उनको अरेस्ट करेंगे। लॉन्ग मार्च चलता रहेगा, खान साहब आएंगे क्या करेंगे या अभी इसको पोस्टपोन किया जाएगा? इसका ऐलान जो अभी बाद में किया जाएगा, फिलहाल जो है हम जख्मियों का जो इलाज है उसके ऊपर फोकस है इस पर। इसमें खान साहब के साथ जो जो जख्मी हुए अहमद नवा जो अहमद चटा साहब उनकी भी जो है टांग में गोली लगी है, वो खैरियत से हैं और वो उमर फारूक मायर हैं, फैसल जावेद साहब हैं और इमरान यूसुफ गुजर हमारे जो अहदेदार हैं गुजरांवाला के, वो भी जख्मी। फैसल जावेद साहब जो है उनको भी जो है गोली जो है वो पास से छू के चली गई, उनके चेहरे पे यहाँ पे जो है वो खराश आया। फैसल वाडा ने इसको खूनी मार्च कहा था, अब ये इसके खूनी मार्च बन गया है इस हवाले से। राणा सुनाओ, मैंने आपसे कहा कि इस पे तहकीकात हो रही है, जो शूटर था उनमें से एक पकड़ा भी गया है, इस तहकीकात हो रही है, जो भी जिम्मेदार होंगे किसी के साथ जो है कोई रायत नहीं होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबको जो है इस कैफे के दाँत तक पकड़ा जाए। दो लोग पकड़े गए सर, एक पकड़ा गया सर। ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब पुलिस पर एजेंसियों का दबाव है इस हवाले से बहुत क्यों? नहीं ऐसा कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल सब मिलके जो है तहकीकात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द आपको बाकी तफसीलात देंगे। यहाँ पे कोई खातिफा इंतजाम नहीं थे, पुलिस का कोई चेकिंग का सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से ये ऐसी बात नहीं है। थ्रू आउट जो है आपने देखा है कि दोनों साइड्स पे पुलिस की जो है भारी नफरी मौजूद थी और सिक्योरिटी का सारा जो है भरपूर इसके अंदर जो है हमने प्लान किया हुआ था, लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी थी, इसीलिए जो है एक जो पकड़ा भी गया और इंशाल्लाह बाकी भी जो लोग उसके साथी हैं या जो इसके पीछे पुश बनाई करते वो सारे गिरफ्तार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।